Press the bell icon of the e-Parshala channel and never miss another update. So guys, now we are back with the third part of this chapter. Indian politics के बारे में हम study कर रहे थे इस chapter के अंदर, और इस chapter से related हमने video के दो part पहले ही upload किए हैं। ये वीडियो का तीसरा पार्ट है, और इसके अंदर आप जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से 1990 के दशक के टाइम पीरियड पर एक नए राजनीतिक बदलाव हुए थे। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स की ज़रूरत है तो आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शंस के अंदर वो जाके आप लिंक देख सकते हैं, और वहाँ से आप नोट्स जो हैं डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे वीडियो के तीसरे पार्ट के अंदर, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि अब 1990 के दशक के टाइम पीरियड पर कैसे धार्मिक पहचान के आधार पर राजनीति का उदय हो रहा है। यानी कि 1967 में जब पहली बार गठबंधन सरकार आई थी, उस टाइम पीरियड पर कहीं ना कहीं राजनीति जो थी वो धार्मिक नहीं थी। अब यहाँ पर 1990 के दशक में आते आते राजनीति जो है धर्म के आधार पर तय की जाने लग गई थी, जिसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ऐसे केसेस हमारे सामने 1990 के दशक में आए थे जो कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के बारे में बहस करने वाले जैसे थे। क्योंकि लोकतंत्र में भी कुछ ऐसे स्टेप नहीं लिए गए थे जो सरकारों को उस टाइम पे लेना चाहिए, और कुछ ऐसे मसले थे जो धर्म के रिलेटेड थे, जो जनता ने सरकार ने अपने वोट बैंक बनाने के लिए उस टाइम पे इन चीज़ों पे फोकस नहीं किया, अपने फ़ायदे के लिए उन एक्शंस को लेने की कोशिश करी। तो इसकी थोड़ी सी शुरुआत अगर हम बैकेंड में जाएं, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, 1990 से 10 साल पीछे जाएं, तो हमें समझ में आता है कि कैसे जो राजनीति थी वो धार्मिक आधारित राजनीति बन गई, जैसे आप रिलीजियंस बेस्ड पॉलिटिक्स बोलते हैं वो बनी। तो अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि अगर आप देखें 1980 के टाइम पीरियड से पहले 1977 में, जिस टाइम पीरियड पे एमरजेंसी ख़त्म हुई थी, और मार्च 1977 के टाइम पीरियड में पहली बार गठबंधन की सरकारों ने मिलके कांग्रेस की सरकार को हराने की कसम खा ली थी, जिसमें से जनता पार्टी जो थी वो थी। अब आप जनता पार्टी को देखेंगे, कहीं ना कहीं जनता पार्टी के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कांग्रेस ओ थी, वो इनके साथ में मर्ज हो रखी थी। भारतीय लोक दल थी जो जनता पार्टी के साथ मर्ज हो रखी थी, और जनता पार्टी जो खुद थी वो जनता पार्टी पहले भारतीय जनसंघ के नाम से भी जानी जाती थी। तो इस तरीके से 1977 के अंदर तो यहाँ पे इलेक्शन हुआ, और जनता पार्टी जो थी वो सरकार जीत जाती है और मोरारजी देसाई जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर तरीके से ना होने की वजह से सरकार 3 साल के अंदर गिर जाती है, और दोबारा से 1980 के टाइम पीरियड में चुनाव दोबारा होते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार 1980 के अंदर जो चुनाव होते हैं, जो 1980 के अंदर इलेक्शन होते हैं, वहाँ पर अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं जनता पार्टी जो थी, यानी कि जो जनसंघ थी, वो बाद में वही पार्टी जाके भारतीय जनता पार्टी बनी। तो यानी कि 1980 के अंदर बीजेपी का नया सिंबल आता है, जिसे आप कमल के रूप में देखते हैं, और 1980 के अंदर कांग्रेस आर जो इतने टाइम से चुनाव लड़ रही थी, अब वो कांग्रेस आई के नाम से जानी जाती है। 1980 के अंदर कांग्रेस आई जो थी, उसने अपने हाथ का एक सिंबल लिया था जो आज तक कांग्रेस इस्तेमाल कर रही है, और बीजेपी सरकार जिन्होंने अपना सिंबल 1980 के अंदर कमल का फूल बनाया था, और वो आज भी इस्तेमाल हो रहा है। अब यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर मैं कह सकता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छी तरीके से एक नींव बनाने की कोशिश करी, और साथ में समाज के लिए लड़ने के लिए ये पार्टी बनाई गई। बेसिकली ये पार्टी गांधीवादी सोशलिस्ट पर आधारित थी, लेकिन कहीं ना कहीं 1980 के टाइम पीरियड में इस पार्टी को जन्म मिला। 1980 के बाद अगर देखा जाए तो इंदिरा गांधी जी उस टाइम पीरियड पे सत्ता में आई थी और सरकार इन्होंने बनाई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो थी वो सत्ता में नहीं आ पाई, सरकार नहीं बना पाई। लेकिन अब यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम होता है, जब 1980 के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है तो उनके कैंडिडेट ज़्यादा MP नहीं बन पाते हैं, और इसकी वजह से उन्हें अपनी राजनीतिक पहचान बना दी, और राजनीतिक पहचान बनाने के लिए उन्होंने धार्मिक पहचान का एक आधार
हार लिया। आप देखेंगे कि रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स 1990 के टाइम पीरियड में स्टार्ट हो गई थी और दो सबसे बड़ी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी और साथ में कहीं ना कहीं कांग्रेस जो थी वो सत्ता में थी। अब 1980 से लेके 1984 के बाद तो देखेंगे आपकी इंदिरा गांधी जी थी और इंदिरा गांधी जी की डेथ हो गई थी, उन्हें मार दिया गया था। और 1985 से लेके 1989 के बीच में राजीव गांधी जी थे और उसके बाद दोबारा इलेक्शन होते हैं और 1990 के अंदर गठबंधन का दौर चालू होता है। और इसी टाइम पीरियड पर दोबारा से बीजेपी सरकार चुनाव तो लड़ती है लेकिन दोस्तों उस टाइम पीरियड पे ये भी पूरी तरीके से सीटें नहीं ला पाती हैं, ना कांग्रेस ला पाती है ना बीजेपी ला पाती है और किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती है। इसकी वजह से बीजेपी ने कहीं ना कहीं सरकार को, वीपी सिंह की सरकार को बाहर से सपोर्ट करने के लिए कहा और सरकार वीपी सिंह की चल रही थी। उस टाइम पे सोशलिस्ट पार्टी जो थी उनका भी समर्थन था, बीजेपी का भी समर्थन था और बीजेपी सत्ता में नहीं थी लेकिन बीजेपी को कहीं ना कहीं अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनानी थी। जब उन्हें पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनानी थी तो उनको दो मुद्दे दिखाई दिए। पहला मुद्दा जो था वो साहबानो केस था जो 1985 में राजीव गांधी की सरकार के टाइम पीरियड में हुआ था। साहबानो केस एक ऐसा मुस्लिम महिला का केस है जो साहबानो, जिस समय उनका डिवोर्स हो चुका था तो उन्हें अपने हस्बैंड से महीने का भत्ता चाहिए था और इन्होंने इस चीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस करा और सुप्रीम कोर्ट ने साहबानो के हक में ये फैसला सुनाया। और जब इस साहबानों के हक में ये फैसला सुनाया तो कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे, मैं बोल सकता हूँ, मुस्लिम नेता थे जिन्होंने इस फैसले को कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी के पर्सनल फैसले की तरफ बोला और बोला कि ये कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट जो है मुस्लिम के पर्सनल मैटर्स में ये फैसला सुना रही है। और इसी वजह से जब साहबानो को, अच्छा मैं कह सकता हूँ, उनको अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट एक अच्छा जजमेंट मिल रहा था, न्याय मिल रहा था लेकिन कुछ मुसलमान जो कम्युनिटी के लोग थे, नेता थे, उन्होंने इसका बहिष्कार करा और इसकी वजह से भारतीय सरकार ने उस टाइम पीरियड पे कांग्रेस सरकार ने कहीं ना कहीं 1986 में मुस्लिम महिला अधिनियम बनाया और उसके बाद साहबानो को जो इंसाफ मिल रहा था वो इंसाफ नहीं मिल पाया और इसकी वजह से बहुत सी मुस्लिम महिलाएं और साथ में मैं बोल सकता हूँ कि जो दूसरे संगठन थे वो उसके खिलाफ हो गए। और यहाँ पर बीजेपी ने पूरी तरीके से अपने मुद्दे को एक धार्मिक मुद्दा और कहीं ना कहीं एक सेकुलरिज्म मुद्दा बनाने की कोशिश करी, डाइवर्ट करने की कोशिश करी और ये कहा कि सरकार जो है पूरी तरीके से अपनी सत्ता का इस्तेमाल करके मुस्लिम महिलाओं के लिए या साथ में हिंदुओं के लिए ज़्यादा फेवर कर रही हैं और इनके साथ क्या कहते हैं इंसाफ नहीं कर रही हैं। तो कहने का मतलब ये था कि इस दिस टाइम पे सेकुलरिज्म की डेफिनेशन जो है सही मायने में पूरी तरीके से डिफाइंड नहीं हो पा रही थी जिस समय आपकी कह सकता हूँ मैं राजीव गांधी की सरकार थी। उसके बाद दूसरा मुद्दा 1990 के दशक में आता है जो हमारा अयोध्या कांड है जिसे आप राम टेंपल और बाबरी मस्जिद के नाम से जानते हैं। और ये तो इतना बड़ा इशू हुआ ना जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसने पूरी छवि अपनी कहीं ना कहीं हिंदुत्व की तरफ मोड़ दी, हिंदुओं के हित के लिए बोल दिया और राम मंदिर की वजह से भारतीय जनता पार्टी आज 2014 में जाके जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट बनी थी उसके पीछे रीज़न कहीं ना कहीं उस समय बाबरी मस्जिद का था। तो 1990 के दशक में आपने देखा कि अब कैसे बाबरी मस्जिद कांड जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नया मोड़ साबित होगा। इवन ये कहना ठीक रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से एक नया मोड़ मिलने वाला था इस राम टेंपल और बाबरी मस्जिद की वजह से। भारतीय जनता पार्टी के सामने दो ऐसे केसेस थे जिसने पूरे भारत के अंदर उनकी छवि जो है एक अच्छी छवि बना दी, मैं ये कह सकता हूँ। तो यहाँ पे अयोध्या डिस्प्यूट यानी कि अयोध्या विवाद एक ऐसा विवाद था जिसने पूरे भारतीय राजनीति की एक नींव हिला दी और दोस्तों इसी को ही ना कहीं ना कहीं रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स बोलते हैं। जब आप धर्म के नाम पर लोगों से वोट मांगने लग जाते हैं और उनके भगवान के लिए कुछ वेलफेयर कर देते हैं तो आप ये देखेंगे कहीं ना कहीं आपकी उनकी कैटेगरी के लोग आपको पसंद करने लग जाएंगे और हुआ यही सेम। अब इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है थोड़ा सा वो जान लेते हैं।
अब आप ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं मीर बाकी जो उस टाइम पे जो बाबर के एक सिपाही थे, उन्होंने 16th century के अंदर एक मस्जिद का निर्माण करवाया था, और मस्जिद जो बनवाई गई थी वो अयोध्या में बनवाई गई थी। आपको ये मस्जिद दिखाई दे रही है 19th century के पीरियड की मस्जिद है, और 16वीं शताब्दी के अंदर इस मस्जिद को बनाया गया था, तो 16वीं शताब्दी के अंदर इसका स्ट्रक्चर दूसरी तरीके का भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि अगर ये अयोध्या के अंदर ये मंदिर मस्जिद बनाई गई है, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हिंदू मान्यताओं के हिसाब से ये लगता है कि कहीं ना कहीं राम भगवान जो है वो अयोध्या वासी थे, अयोध्या के अंदर ही 14 वर्ष के वनवास के बाद वो लौटे थे, और अयोध्या नगरी कहीं ना कहीं राम की नगरी थी। और उनका ऐसा मानना था, कुछ हिंदुओं का ऐसा मानना था कि बहुत साल पहले, जब मीर बाकी यहाँ पे रहते भी नहीं होंगे, तो बहुत साल पहले यहाँ पे मंदिर था, और दोस्तों मंदिर को हटाकर, मंदिर को तोड़कर इन मुसलमानों ने, यानी कि बाबर के लोगों ने कहीं ना कहीं यहाँ पे मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया। और जब मस्जिद बनाया गया तो लोगों को ये लगता है कि यहाँ पे राम भगवान का एक जन्म स्थल है। और तो जैसे कि आप सभी को पता है कि ऐसा है, बहुत से हिंदू धर्म का मानना यही है कि अयोध्या कहीं ना कहीं एक राम भगवान की नगरी है, और कुछ हिंदुओं का मानना यही था कि मस्जिद पहले नहीं थी यहाँ पे, पहले यहाँ पे मंदिर ही था, और ऐसा लोगों का मानना है कि राम भगवान का ये जन्म स्थान था। क्योंकि पार्टी बीजेपी खुद ही हिंदुत्व बेस्ड है, और हिंदुत्व बेस्ड है तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं पार्टी को ये लग रहा था कि ये वोट बैंक के लिए एक सही डायरेक्शन हो सकता है, सही पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। और इस डिस्प्यूट को अगर और ज़्यादा रेज किया जाएगा, बड़ा किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका सरकार में, सेंट्रल में लाने का एक मुद्दा हो सकता है। सरकार को मुद्दा चाहिए होता है, और उनको राम भगवान के नाम पर एक मुद्दा मिल गया। इस तरीके से इस डिस्प्यूट को, अयोध्या डिस्प्यूट को और ज़्यादा आग मिली, और धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं यहाँ पर ये बोला गया कि जब हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ रहे थे, तो 1940 के टाइम पीरियड पे इस मस्जिद को बंद कर दिया गया था। जब 1940 के टाइम पीरियड पे इस मस्जिद को बंद करा गया, तो उसके बाद फिर आप ये देखने की कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं जब राजीव गांधी की सरकार आई थी 1885 के टाइम पीरियड में, तो फिर बहुत से हिंदुओं लोगों ने ये कहा कि कहीं ना कहीं जो फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसको, उससे अपील लेके इसको क्या कहते हैं, फरवरी 1986 के अंदर राजीव गांधी की सरकार के टाइम पीरियड पे से खोला गया। और खोलने के बाद ये कहा गया कि हिंदुओं को प्रेयर करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए यहाँ पे जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि राजीव गांधी की सरकार को भी कहना है कि अपना वोट बैंक, हिंदुओं का वोट बैंक छोड़ना नहीं था। इसकी वजह से रातों रात वहाँ से परमिशन ले गई फैज़ाबाद हाई कोर्ट से, और अगले दिन फरवरी सुबह मॉर्निंग के दिन वहाँ पे लाइव टेलीकास्ट होते हुए इस चीज़ को दिखाया गया कि कैसे राजीव गांधी की सरकार ने अयोध्या का जो बाबरी मस्जिद था उसका ताला तोड़ा, और हिंदुओं को वहाँ पे पूजा करने की वहाँ पे परमिशन दे दी। तो ये पूरा का पूरा डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है जिसमें दिखाने की कोशिश करी जा रही है कि हिंदुओं के लिए राम चबूतरा बनाया गया, जहाँ पे हिंदू लोग जो है वहाँ पे अपनी प्रार्थना कर सकते हैं, और अंदर जाके यहाँ पे ये लोग अपनी इबादत कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस स्ट्रक्चर को बनाया गया है, जहाँ पे मुसलमान लोग अंदर जाके इबादत कर सकते हैं, और राम चबूतरा के अंदर जो हिंदू लोग हैं वो अपनी प्रार्थना कर सकते हैं। काफ़ी लंबे समय तक ये चीज़ें चल रही थी, और फिर बाद में जाके विवादित ढांचा बन जाता है, क्योंकि जब होता क्या है कि फिर बहुत से लोगों ने, हिंदू और मुसलमान के जब आपस में इस चीज़ों को लेके क्लैश होने लग गया, तो बहुत से मुसलमान के लोगों ने ये अपील करनी चालू करी कि भाई ये जो पूरा बाबरी मस्जिद का इलाका है वो हमारा है, क्योंकि अभी तक किसी चीज़ का फाइनल नहीं हुआ था, और हिंदुओं को लगता था कि ये कहीं ना कहीं राम भगवान की जन्मभूमि है, तो इस हिसाब से हिंदुओं को वहाँ प्रार्थना करने का अधिकार होना चाहिए, जो हिंदू कस्टम के हिसाब से राम भगवान को मानते हैं। और जबकि मुसलमानों को लगता था कि जब मीर बाकी ने जब क्या कहते हैं इस मस्जिद का निर्माण करवाया है, तो ऑफिशियली मुसलमानों का अधिकार होता है कि इबादत गृह उनके लिए बने। तो अभी तो दोनों डिस्प्यूट चल रहे थे, लेकिन फिर बाद में ये केस जाता है कोर्ट के अंदर, और आप देख सकते हैं ऐसे तो बहुत सारे बोर्ड थे जिन्होंने इसके ऊपर केस फाइल करा, PL फाइल करी, लेकिन दोस्तों उनमें से कुछ ऐसे बोर्ड्स हैं जो सुन्नी वक्र कोड और निर्मोही अखाड़ा, आपकी बुक के अंदर इसके बारे में इतना डिटेल नहीं बताया हुआ है, आप इस चीज़ को स्टडी करोगे तो आपको रियली पता चल पाएगा कि हाँ इस चीज़ों के बारे में डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे तरीके से बताई गई है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए,
ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट भी आपको चैप्टर के अलावा जानने को मिलते रहते हैं, जो चैप्टर के अंदर नहीं भी होते हैं। तो यहाँ पे सुन्नी वक्र कोड ने सुप्रीम हाई कोर्ट के अंदर इस चीज़ की अपील करी और निर्मोही अखाड़ा ने हिंदुओं के नाम पर इस चीज़ की अपील करी। तो दोनों की अपील सेम वही डिमांड थी कि ये जगह हमारी है, ये जगह हमारी है। देन फाइनली होता क्या है, ये मुद्दा जो कभी उत्तर प्रदेश का अयोध्या तक सीमित था, लेकिन बाद में राजनीतिक तूल पकड़ने की वजह से ये मुद्दा वर्ल्ड वाइडली फेमस हो गया। ये मुद्दा एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। जैसे एट प्रेजेंट टाइम अभी किसान मूवमेंट जो है सिर्फ पंजाब तक ही सीमित है, हरियाणा तक सीमित है, लेकिन अगर इस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ाया गया राजनेताओं के द्वारा या दूसरी सरकारों के द्वारा, तो आप ये नोटिस करेंगे कि कहीं ना कहीं ये मुद्दा भी एक वर्ल्ड वाइडली मुद्दा बन जाएगा। अब यहाँ पर जब ये विश्व राष्ट्रीय मुद्दा बनने लग गया, तो दूसरी पार्टियों को ये दिखने लग गया कि एक वोट बैंक हो सकता है। हिंदुओं की सेंटीमेंट के ऊपर अगर सरकार काम करेगी और कहीं ना कहीं हिंदुओं के लिए अगर वो जगह अलॉट करवा देगी राम भगवान के जन्मभूमि, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि वोट बैंक का सारा शेयर इन्हीं को ही मिलेगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो 1980 के अंदर नई पार्टी बनी ही बनी थी, और साथ में विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयं सेवा संगठन जो RSS, ये तीनों एक ही कैटेगरी के हैं और तीनों ही हिंदुत्व राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हिंदुत्व राष्ट्र का कहने का मतलब ये है कि आप पूरी तरीके से समाज के अंदर अपनी ज़मीन को मातृभूमि मानेंगे, और हिंदुओं का कर्तव्य यही होगा कि वो हमेशा अपने भगवान के आराध्य के प्रति समर्पित रहेंगे। तो ये चीज़ें कस्टम इनके अंदर थी, और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी ने इसके अंदर अपना फ़ायदा देखा और वहाँ पे उन्होंने जनता के सेंटीमेंट के ऊपर काम करा। इसके लिए किया क्या गया, BJP के फाउंडर अगर आप देखें लाल कृष्ण आडवाणी जी ने क्या करा, सोमनाथ के अंदर गुजरात है, गुजरात से उत्तर प्रदेश के अंदर अयोध्या वहाँ तक की एक रथ यात्रा निकाली। आप देख सकते हैं गुजरात से लेके अयोध्या तक एक रथ यात्रा निकाली गई, और इस रथ यात्रा के अंदर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बजरंग दल बहुत ज़्यादा फेमस है, मैं भी शायद से आपने नाम भी सुना होगा, बजरंग दल ने उनको पूरी तरीके से एक सपोर्ट करने की कोशिश करी। सपोर्ट इन द सेंस जैसे PM आता है, CM आता है, तो एक आर्मी और पुलिस उनका सपोर्ट करती है सिक्योरिटी गार्ड की तरह। ऐसी जहाँ जहाँ ये रथ यात्रा निकल रही थी, राम रथ यात्रा, वहाँ वहाँ पर बजरंग दल ने इनको एक सपोर्ट करा कि आप इसको फैलाइए। दोस्तों मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आपको ये बताना है कि ये जो सोमनाथ से गुजरात में सोमनाथ है और अयोध्या तक कितने किलोमीटर तक की ये रथ यात्रा थी, और दूसरा इसको कितने डेज लगे थे कंप्लीट करने में। ओके, तो कहने का मतलब अभी ये यात्रा सोमनाथ से स्टार्ट हुई, तो जहाँ जहाँ पे ये मैसेज पहुँचाया जा रहा था कि भाई रामलला तुम आओगे, हम राम के लिए मंदिर बना रहे, मंदिर वहीं बनेगा जहाँ पे हिंदू लोग चाहते हैं, ऐसे ऐसे नारे लगाए गए, जिससे हिंदुओं के दिल में सेंटिमेंट पैदा होने लग गया कि कहीं ना कहीं हिंदू के लिए वहाँ राम मंदिर बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तक ये जो इलाका है डिस्प्यूटेड है, और ये केस हाईकोर्ट में गया हुआ है, इसके ऊपर कोई फैसला नहीं है। लेकिन आप ये नोटिस करेंगे कि यहाँ पे BJP सरकार पूरी तरीके से हिंदुओं को मैनिपुलेट कर रही है, या मैं कह सकता हूँ उनके सेंटीमेंट के साथ खेलने की कोशिश कर रही है। अब इतना बड़ा रथ यात्रा अगर आप देखें, मैपिंग देखें, तो ये पूरी तरीके से गुजरात, महाराष्ट्र, उसके बाद मध्य प्रदेश, साथ में राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े इलाके, बिहार, उड़ीसा, सब जगह ये घूमते घूमते रथ यात्रा आ रही है। और सभी से ये लोग कह रहे हैं कि सभी कार सेवा दैट मीन्स जितने भी भारतीय हैं जो राम भगवान को मानते हैं वो आएंगे 1992 दिसंबर के अंदर, कार सेवा करेंगे। कार सेवा इन द सेंस वहाँ पे वो ईंटें उठाएंगे, मिट्टी उठाएंगे, या मैं कह सकता हूँ जो विवादित ढांचा उसे ढा देंगे या तोड़ देंगे, और वहाँ पे राम का हम शिलान्यास करेंगे, वहाँ पे अपना एक नींव रख देंगे, और फाइनली फिर वहाँ पे राम जो भगवान का मंदिर है वो बनने लग जाएगा। तो ऐसा ही हुआ, 6 दिसंबर 1992 के दिन आप देखेंगे पूरी की पूरी बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया। जितने भी कार सेवक आए थे, जो इतनी बड़ी सोमनाथ यात्रा हुई थी, उनके जो फॉलोवर्स थे वो पूरे के पूरे अयोध्या पहुंचे, और अयोध्या में एक ऐसा सिस्टम आ चुका था कि आप यकीन नहीं मानेंगे, ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं भारत के अंदर सिविल वॉर हो सकता है। तो इस सिविल वॉर की सिचुएशन उस टाइम पे 6 दिसंबर 1992 को हो चुकी थी। बाबरी मस्जिद का ढांचा ढा दिया गया था, और वहाँ पे चारों तरफ हिंदुओं ने नारे लगाए थे जय श्री राम, जय श्री राम।
तो ऐसे नारे लगाए गए एंड देन फाइनली आपको ये इमेज दिखाई दे रही है कि सारे के सारे कार सेवक हैं। कार सेवक दैट मीन्स उनके हिसाब से काम करने वाले लोग। इन्होंने सारा का सारा विवादित ढांचा तोड़ दिया और वहाँ पे आप देख सकते हैं एक दंगे का माहौल उस टाइम पे उमड़ा हुआ था। अब बहुत से लोगों को ऐसा लगता था कि शिवसेना पार्टी ने ये चीज़ की थी, क्योंकि शिवसेना पार्टियों ने वहाँ झंडे लहराए थे और यहाँ पे बहुत से ऐसे लीडर थे जिन्होंने इसकी जिम्मेदारी भी ली थी। भारत के कई हिस्सों के अंदर हिंदू और मुसलमान के बीच में दंगा रहा। इवन आप देखेंगे कि 1993 जनवरी के अंदर दो हफ्ते तक मुंबई में तो इतने ज़्यादा वायलेंस चले कि शिवसेना सरकार इस वजह से वहाँ पे भी सत्ता में आने की इसी वजह से उनकी शुरुआत वहाँ पे हुई। तो इस तरीके से आप देखने की कोशिश करें कि अयोध्या मुद्दा जो था वो कहीं ना कहीं एक नॉर्मल था, सिर्फ एक स्टेट तक सीमित था, लेकिन सरकार के इंटरफेरेंस करने के बाद, पार्टी के इंटरफेरेंस करने के बाद वो एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। और जब राष्ट्रीय मुद्दा बन गया तो आप ये नोटिस करेंगे जिस दिन दिसंबर के टाइम पीरियड पर कार सेवक आने वाले थे और किसी को भी नहीं पता था कि बाबरी मस्जिद का ढांचा ढा दिया जाएगा या तोड़ दिया जाएगा, उससे पहले वहाँ के हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को ये बोला हुआ था कि आपको बाबरी मस्जिद के इलाके को पूरी सिक्योरिटी देनी पड़ेगी ताकि कोई भी कार सेवक वहाँ चढ़ के ना आए और किसी भी चीज़ को हाथ ना लगाए। लेकिन हुआ क्या, राज्य सरकार उस टाइम पे भाजपा की थी वहाँ पे, और भाजपा की सरकार को वहाँ के मुख्यमंत्री जो थे उनके खिलाफ केस करा गया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जो बात है वो नहीं मानी और कार सेवक को वहाँ से हटाया नहीं। और इसकी वजह से वहाँ पे जो उत्तर प्रदेश के उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर थे उनको वहाँ से डिसमिस कर दिया गया। तो दोस्तों मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको ये बताना है कि उस टाइम पीरियड पर जो बीजेपी सरकार थी उसके कौन सीएम थे उस टाइम पे, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के अंदर, जिनको बाद में अपना इस्तीफा देना पड़ गया। अब यहाँ पे ये मुद्दा अब केंद्र के हाथ में चला गया और कहीं ना कहीं एक आयोग, एक इन्वेस्टिगेशन बैठाई गई और इस इन्वेस्टिगेशन ने कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति जो थी उसका एक नया डायरेक्शन ला दिया। अब यहाँ पे राजनीतिक दल जो थे हिंदुओं के फेवर में बनने लग गए। और क्योंकि 1992 के टाइम पीरियड में अगर आपको पता हो 1990 से लेके 2004 तक सरकार के पास एक पूरी मेजॉरिटी नहीं आ पाई कि इस विवादित ढांचे के ऊपर कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है कोई फैसला सुना पाए, क्योंकि ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट का चला गया था। इसीलिए इस मुद्दे को कहीं ना कहीं एक सही फैसला सुनाने के लिए बहुत लंबा समय लग गया। लेकिन अब सरकार आती है 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी की, और सरकार ने क्या करा, सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिसॉल्व करने के लिए आर्टिकल नंबर 142 का सहारा लिया और उसके बिहाफ पे अयोध्या केस, डिस्प्यूटेड केस जो था इतने सालों से जो दबा पड़ा था, उसके हक में एक फैसला सुनाया। और यहाँ पे उन्होंने अनुच्छेद 142 की मदद लेकर कहीं ना कहीं मस्जिद के लिए ज़मीन अलॉट कराने की भी बात करी। हुआ क्या, असल में इसमें हुआ ये कि अयोध्या में जो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का केस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया शनिवार 9 नवंबर 2019 को। इसमें हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट और साथ में उसके 5 और जो अधिकारी थे उन सभी ने मिलकर बहुत टाइम तक समय लिया और फाइनली एक फैसला सुनाया। फैसला ये सुनाया कि जो विवादित ढांचा था वो राम लला का ही था, यानी कि राम मंदिर का ही था, और यहाँ पे जो मीर बाकी के द्वारा मस्जिद बनाई गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यहाँ पे कहीं ना कहीं राम मंदिर ही बनना चाहिए। और इवन ये बोला गया कि 5 एकड़ की ज़मीन जो है, 5 एकड़ की ज़मीन केंद्र सरकार अलॉट करेगी किनको, मस्जिद को बनाने के लिए। तो मस्जिद को बनाने के लिए केंद्र सरकार धारा 142 के तहत आप देखेंगे कि केंद्र सरकार अलॉट करेगी किनको, मस्जिद को बनाने के लिए। और सेम उसी प्लेस पे आप देखेंगे कि सेम उसी प्लेस पे आज की डेट में राम मंदिर बन रहा है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। 900 करोड़ का एस्टिमेट लगाया गया है कि राम मंदिर को बनाने का। और दोस्तों देखो 1980 के अंदर जो सरकार बीजेपी बनी थी उसका मेन एजेंडा था कि पूरी तरीके से बाबरी मस्जिद को हटाकर वहाँ पे राम मंदिर बनाया जाए। तो सेम उस मुद्दे पे पार्टी बनी थी, और अगर वो उस चीज़ को फुलफिल नहीं करते हैं तो आप सोचिए कि कितना ज़्यादा लांछन लगता है। तो 1990 में कहा गया वादा 2014 में
मोदी की सरकार के टाइम पीरियड पे पूरा हो पाया, और यहाँ पर इसकी शुरुआत डिस्प्यूट कितने सालों से चल रहा था। रंजन गोगोई जो उस समय पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने इसे फैसला सुनाया, काफ़ी समय लिया और ये फैसला आपके सामने। तो ये था पूरी तरीके से डिस्प्यूटेड मामला, और इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें जल्दी वीडियो के चौथे पार्ट में मिलिए। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ईट पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ईट पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब ही बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में, वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।